झारखंड के साहिबगंज में जिला बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में आज बाल विवाह रोकथाम हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी द्वारा किया गया। जिले में कार्यकारी स्वयंसेवक संस्थाएं महिला थाना, आहूत थाना, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, इन सभी के सहयोग से बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम को संचालित करना है, जागरूक का अभियान चलाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बाल विवाह की रोकथाम हेतु स्थानीय स्तर पर विद्यालयों, कोचिंग सेंटर, जनप्रतिनिधियों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। विवाह रोकथाम के लिए आज बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वयंसेवी संस्थाएं, आहतो थाना, महिला थाना, चाइल्ड लाइन, बाल गृह की टीम ने भाग लिया। कल अक्षय तृतीया है, जिस अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह होता है। आज की बैठक में यह तय हुआ कि सभी अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं, जिससे अधिकाधिक लोगों को जागरूक कर हम लोग बाल विवाह रोकने का कार्य करें। बाल विवाह से लड़कियों को खासकर बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है, इसलिए पूरी टीम इस बिंदु पर काम कर रही है कि हर हाल में बाल विवाह को रोकना है, रोकने के लिए जागरूक करना है। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि हमें बाल विवाह रोकने के लिए इससे जुड़े हुए जैसे धार्मिक संस्थाएं, पंडित, टेंट, कारोबारी, केटरिंग, व्यवसाय, व्यावहारिक कार्यक्रम से जुड़े प्रत्येक लोगों को जागरूक करना है, उनके बीच जागरूकता अभियान चलाना है कि बाल विवाह से संबंधित जानकारी पुलिस विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन को उपलब्ध कराएं। वहीं महिला पुलिस अधिकारी आहुतु ज्योति महतो और महिला थाना प्रभारी सह CWPO सुमित्रा कश्यप के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि यदि किसी भी एजेंसी को यह जानकारी मिलती है बाल विवाह हो रहा है या इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी, तो आप तुरंत संपर्क करें, 24 घंटे प्रशासन आपके बीच उपलब्ध है। लड़कियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, हम लोग परिवार को भी जागरूक करने का कार्यक्रम करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए अरविंद कुमार की रिपोर्ट।